नमस्कार, नीति राजनीति में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे समय पर बात कर रहे हैं जब जो भारत की इकोनॉमी है उसकी हालत बहुत ख़राब चल रही है। 4.5% का जीडीपी ग्रोथ जिसका दर है, पर दूसरे इंडिकेटर्स जो हैं काफ़ी चिंता करने वाले हैं। जैसे जो पावर डिमांड है वो -12% यानी 12% घट रही है। अगर आप देखें भारत जैसे बढ़ते देश में अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है तो जो पावर की डिमांड है, बिजली की डिमांड, वो बढ़ती जानी चाहिए। पर बिजली की डिमांड इस बार अगर आप पिछले साल के मुकाबले के तो 12% कम हो गई है। पहली बार पिछले 1-1.5 साल से मार्केट में ये चर्चा थी, इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि भारत की जो जीडीपी की दर है वो कम होते जा रही है। जैसे कि अगर देखें आज ही इन्होंने आरबी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है, पहले उन्होंने फरवरी में कहा था 7.1% वो एक्सपेक्ट करते हैं ग्रोथ, बट अब वो कह रहे हैं 5% की ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इकॉनमी में। लेकिन चिंता इससे ज़्यादा बड़ी क्यों, क्योंकि नौकरियां जाने का सिलसिला एक तरीके से शुरू हो गया है। बहुत सारे जहां लोग रिटायर हुए हैं वहां रिप्लेसमेंट नहीं की जा रही है। तो ये जो बेसिक प्रॉब्लम है, जो नौकरियां जाने लगी हैं, ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। और इसको कैसे टैकल किया जाएगा, सरकार इसको, इस गंभीर समस्या को कैसे टैकल करेगी, ये सब आज हम चर्चा करेंगे। और इसी के लिए मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के इकोनॉमिक अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन, वे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, तो इकोनॉमी के बारे में हमारे से चर्चा कर सकते हैं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल। गोपाल जी, आपने हमको अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। कैसे आप देखते हैं आज की स्थिति को, बिकॉज अलग अलग तरीके की खबरें आ रही हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ग्रोथ रेट 4.5% है, जॉब जाने की बात हो रही है, पावर डिमांड कम हो गई है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 4.5% की जीडीपी ग्रोथ रेट को कोई डिनाई नहीं कर रहा, और वह अगर आप कहोगे कि सरकार उस रेट से खुश है, इससे ज़्यादा होनी चाहिए कि नहीं, तो हम ये कहते हैं कि ज़रूर अगर हमें $5 trillion की इकोनॉमी पे जाना है 2024 तक, तो हमें एवरेज ग्रोथ रेट 8-9% का चाहिए। तो अभी स्कोप है जिसके ऊपर काम करना है। दूसरी बात यह है कि इकोनॉमी में हर वक्त चैलेंजेस रहेंगे। आपने पावर सेक्टर कंजम्पशन का और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, ये चैलेंजेस पहले भी थे, अब भी थे। अब बात यह है कि हम आज की अर्थव्यवस्था में आगे कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक असेंशियल्स पैरामीटर्स अगर आप देखें, जिसके ऊपर पहले 5 साल में हमारी सरकार ने काम किया था, तो चाहे इन्फ्लेशन को कंट्रोल में है, FDI बहुत तेज़ी से, आज ही पीयूष गोयल जी ने भी स्टेटमेंट बताया आया है कि $62 billion का FDI इन्वेस्टमेंट आया है। अगर FII फ्लो भी आप देख लें, सेंसेक्स को देख लें, स्टॉक मार्केट में जो बूम आ रहा है, तो और इन चीज़ों को, फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस, वेंचर कैपिटलिस्ट से मैं मिलता हूँ, उन सबको देखें तो उनका आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी में राइट डायरेक्शन में तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए उनका कॉन्फिडेंस है। लेकिन करंट लेवल पे चैलेंजेस हैं, और वह हम भी एक्सेप्ट करते हैं, सब भी करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स असेंशियल, जिस पर इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बेसिक पैरामीटर्स मानते हैं, वह सब ठीक हैं। तो हमारे इसलिए अच्छी इकोनॉमी आने वाले समय में होगी क्योंकि सही दिशा में जा रहे हैं। अब ग्लोबल रिसेशन, ग्लोबल फैक्टर्स का ज़रूर कुछ इफेक्ट है, लेकिन ये बॉटम आउट हो गया है। वित्त मंत्री ने भी पार्लियामेंट में कहा कि 32 से अधिक इनिशिएटिव पिछले 6 महीने में नई सरकार ने लिए हैं। जो जो भी क्षेत्र, जिस जिस क्षेत्र में जो जो समस्याएं आ रही हैं, सरकार उन्हें ठीक कर रही है, चाहे कॉरपोरेट टैक्स को लेके, चाहे उसमें जो कंपनी लॉ में एक बदलाव को लेके, चाहे GST के लेवल पे जो इम्प्लीमेंटेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके, IBC को लेके। मैं आपसे कुछ आंकड़ों की चर्चा करना चाहूँगा। आज ऑपोजिशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ऑपोजिशन लीडर्स ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। वो आंकड़े इस तरह से हैं कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं, वो 4.6 से 4.4 पे आया, फिर 3.9 पे आया और अब 2.4 पर है। जो क्रेडिट लघु उद्योग, जो MSME जिसको हम कहते हैं, लघु उद्योग के लिए जो क्रेडिट है वो 0.9 से -0.4 पे आया, 2.3 और अब 2.7 पर है। अगर आप कोर सेक्टर की ग्रोथ देखें तो 4.8 से वो 4.3 हुई, फिर 4.4 हुई और अब 0.2 पर है। और अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा देखें तो -9.6 पाए, फिर 4.03, फिर 5.14 और फिर 7.03।
कह रहे हैं कि जो रूरल कंजम्पशन है, जो गांव और छोटे शहरों का कंजम्पशन है, वो कम हो गया, ये NSSO का डेटा कह रहा है। और जो गांव के लोग हैं वो लोग पैसा इसलिए खर्च नहीं कर रहे क्योंकि उनको आमदनी होने की कोई भी एक तरह से आशा नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो प्रोड्यूसर के प्राइसेस है, जो खेत में जो खेती करता है उसको जो दाम मिल रहे हैं वो मिल नहीं रहा। और शहरों में दूसरी प्रॉब्लम है कि शहरों में नौकरियों जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसलिए शहर के लोग चिंतित हैं। अब हम ये भी समझते हैं कि ये सब चीज़ों को एक दिन में तो अरेस्ट नहीं किया जा सकता, आपके सरकार के पास और लगभग 4.5 साल का कार्यकाल है, क्या ऐसा आप करेंगे जिससे हमको 1-8 साल में इससे एक 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 बेहतर स्थिति मिल पाए? देखिए, आज के समय में जो डेटा जो होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, सिलेक्टिवली आप किसी भी डेटा को रख दीजिए, आपको अच्छी भी फिगर मिल जाएगी और ख़राब भी फिगर मिल जाएंगी। तो वो अलग अलग डेटा अगर मैं भी कोट कर सकता हूँ जो कि पॉजिटिव सेंटीमेंट्स हैं, लेकिन इन डेटा को हम डिनाई नहीं करें, ये सारे डेटा हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ग्रोथ हो रही है वह, उसमें सबसे बड़ी बात अभी चिंता की बात थी कि कंज्यूमर डिमांड सबसे कम है। क्रेडिट्स के अवेलेबिलिटी के तरफ सरकार ने काम किया है, बैंकिंग सेक्टर को रिफॉर्म कर दिया, लेकिन वो केवल सप्लाई साइड को ही टैकल करता है। अब है कि डिमांड क्या है, तो इस बार के आप GDP Q2 के रिजल्ट्स में आप देखेंगे तो 5% ग्रोथ इन कंज्यूमर डिमांड, प्राइवेट कंज्यूमर डिमांड हुआ है। और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डिमांड को कैटलाइज करता है, इंडस्ट्री को कैटलाइज करता है, वह 15% से बढ़ा है। तो कंज्यूमर डिमांड को बढ़ाने का सरकार उस चैलेंज को ले भी रही है और उसको कर भी रही है। इसमें कैवियट है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस तिमाही में कंज्यूमर डिमांड इसलिए भी बढ़ा क्योंकि हिंदू धर्म के सारे बड़े त्यौहार दशहरा दिवाली पड़े इस सर... नहीं नहीं, वो गलत है, वो ये Q2 का है, वो जो Q3 का है, जो असली आप बात कर रहे हो, मैं वही कहने वाला हूँ कि Q3 का जो रिजल्ट आएगा, यानी सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसंबर, जिसमें सारे त्यौहार बढ़े, तो Q3 के जो रिजल्ट आएंगे उसमें उसका रिजल्ट आएगा। और आप उसका एक इंडिकेटर अभी देख भी लो, GST कलेक्शन जो नवंबर के मास का जो आया है वह 1,03,000 करोड़ से 1,00,000 को क्रॉस कर गया, तो वह ऑलरेडी उस चीज को इंडिकेट करता है कि जो Q3 के रिजल्ट आएंगे वो बेहतर आएंगे। नहीं, एक चीज और, आपने क्रेडिट ग्रोथ की, चिदंबरम जी ने भी बात की, उनकी फिगर में ही आप देख लीजिए, नेगेटिव से लेके अब 2.9% से ग्रोथ आया है। और निर्मला जी ने पार्लियामेंट में एक फिगर दी थी कि 2,50,000 करोड़ का क्रेडिट, सरकार ने बहुत फोकस इनिशिएटिव लिया कि स्मॉल MSME सेक्टर को, एंटरप्रेन्योरशिप को मुद्रा लोन के थ्रू, इन सेक्टर्स को NBFC को सरकार बैंकिंग लोन और मिले, तो वह 2,50,000 करोड़ का लोन बढ़ा है और उसी का फिगर ये आया कि 2.9%। दो क्वेश्चन आपसे हैं जो वरिंग है, एक तो वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है, मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहूँगा फिर हिंदी में बताऊँगा, कि रिजिड लैंड एंड लेबर लॉज आर हिंडरिंग इन्वेस्टमेंट। तो लैंड और लेबर लॉज में जो बदलाव, इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले लैंड रिफॉर्म शुरू किया था बट बहुत ऑपोजिशन की वजह से वो रुक गया था, बट अब फिर से वो चुन करके आएंगे, तो क्या लैंड रिफॉर्म फाइनली इस देश में हो पाएगा? क्योंकि अब वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है कि लैंड और लेबर रिफॉर्म की प्रॉब्लम की वजह से चाइना से जितने सारे उद्योग चाइना छोड़ के जा रहे हैं वो वियतनाम जैसी कंट्रीज़ में जा रहे हैं पर इंडिया में नहीं आ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि प्रोडक्शन दैट हैज़ रिलोकेटेड फ्रॉम चाइना हैज़ नॉट कम टू इंडिया। मतलब ये जो उम्मीद थी कि चाइना से फैक्ट्रियां निकल के अब बोलेंगे आपको हम भारत जाना है, पर ऐसा नहीं हो रहा है, वो छोटे छोटे देशों में जा रही हैं जहाँ पर एक तरीके से थोड़ा जल्दी काम होता है क्योंकि इतना बड़ा देश नहीं होता, इतने सारे राज्य नहीं होते, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, तीन चीज़ें प्रमुखता से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नेगेटिव भारत के लिए अभी थी, जो उसमें एक तो लैंड रिफॉर्म्स थे, एक लेबर रिफॉर्म्स थे और एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस इम्प्लीमेंटेशंस का था। इन तीनों में लैंड रिकॉर्ड में सरकार बहुत काम कर रही है, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड होने के बाद, वैसे लैंड इशू है प्रदेश सरकारों का, लेकिन केंद्र सरकार पुश कर रही है, फंड भी दे रही है कि आप डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स कर दो, तो लैंड के रिकॉर्ड्स अगर प्रॉपर हो जाएंगे तो उसके बाद की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। दूसरी बात है लेबर रिफॉर्म्स में, अभी हमारे पास 44 लेबर लॉज थे, उसको 4 कोड में इंप्लीमेंट कर दिया सरकार ने, उन 4 कोड्स लेके उन 44 लॉज को एक जगह कंसोलिडेट कर चुके हैं, उसमें से एक
लेबर मिनिमम वेज कोड को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, दूसरा पार्लियामेंट में पेश कर चुके हैं जो रिट्रेंचमेंट वगैरह को, सोशल सिक्योरिटी का लेबर लॉज में प्रॉब्लम्स था उसको पार्लियामेंट में बिल पेश कर चुके हैं, स्टैंडिंग कमेटी को चला गया है, तीसरा जो है तीसरा और चौथा कल ही कैबिनेट कमेटी ने उसको भी अप्रूवल कर दिया। तो लेबर रिफॉर्म्स चार कोड के अंदर सरकार कंसोलिडेट कर रही है। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन इम्प्रूवमेंट में आईबीसी के अंदर सरकार ने एनसीएलटी को बहुत मजबूती प्रदान की है और असली बात है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमर्शियल कोर्ट्स का स्टैब्लिशमेंट सरकार कर रही है, एनसीएलटी में जजेस का अपॉइंटमेंट कर रही है, उनके बेंचेस बढ़ा रही है, तो जो कमर्शियल लॉज का इम्प्लीमेंटेशन एक महत्वपूर्ण हिंड्रेंस था उसको भी सरकार पूरी तरह से ठीक कर रही है। एक पॉइंटेड क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि इंडस्ट्री में से ये आवाज़ें आ रही हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स में लिख के आ रहे हैं कि एजेंसीज़ काफ़ी एग्रेसिव हो गई हैं, भले इनकम टैक्स एजेंसी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्ट सरकारी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसको कहते हैं वो सरकारी एजेंसी है, और अगर आपने हाल ही में देखा बहुत सारा चर्चित विषय है कि जो उद्योगपति राहुल बजाज साहब हैं उन्होंने भी ये कहा है कि एक तरीके से गवर्नमेंट को क्या क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है कि जो फीडबैक इंडस्ट्री की तरफ से जाता है वो भी एक बात कही गई। तो आपको कहीं लगता है ये इनकम टैक्स इसलिए प्रेशर कर रही है क्योंकि सरकार प्रेशर बनाती है इनकम टैक्स पे कि आप जाके पैसे लाइए, तब वो रेड और रेड करना चालू कर देते क्योंकि वो तो ऑफिसर है, उनको टारगेट पूरा करना है, तो वो जाके कहेंगे आप आज पैसे भर दीजिए, बाद में आप कोर्ट में कंटेस्ट कर लीजिएगा, बट उससे पूरा इकोनॉमी का क्लाइमेट खराब होता है। नहीं देखिए, कुछ लोगों की जेन्युइन समस्याएं हैं, जैसे कंपनी लॉ में क्रिमिनलाइजेशन का इशू था तो सरकार ने ऑलरेडी एक कमेटी बिठाई थी कि कंपनी लॉ को डीक्रिमिनलाइज कैसे करें, स्ट्रीमलाइन कैसे करें, उसका एनफोर्समेंट कैसे ट्रांसपेरेंट करें, और ड्रैकोनियन प्रोविजंस जो उसके अंदर कुछ आ गए पिनल के, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के हिसाब से क्लासिफिकेशन के, उसकी रिपोर्ट आ गई है और सरकार मोस्ट प्रॉब्ली 46 अमेंडमेंट उन्होंने सजेस्ट किए जिससे कंपनी लॉ में डीक्रिमिनलाइजेशन की एक्टिविटी सरकार उसको करेगी। दूसरी बात है कि इनकम टैक्स से जो लोग परेशान थे, सरकार पूरी तरह से ई असेसमेंट की तरफ बढ़ रही है, वर्चुअल असेसमेंट की तरफ जा रही है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद किसी को किसी तरह की डर की बात नहीं है, सारा इंडिविजुअल जो सब्जेक्टिव इंटरफेरेंस होता है वह किसी ऑफिसर का ख़त्म हो जाएगा, तो एक ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम हो जाएगा। जीएसटीएन नेटवर्क में भी कोर्ट के अंदर भी उसमें बातें आ रही है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जीएसटी काउंसिल इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं उनको अगर जैसे ही आप ठीक कर देंगे तो एक जो स्मूथ मूवमेंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन है, मुझे लगता है जो फियर की बात है वह क्या है कि हम एक इकोसिस्टम तो चेंज कर रहे हैं, इसको मैं एग्री करता हूँ कि एक जो रूल ऑफ लॉ है उसको मजबूती से लोगों को एक्सेप्ट करके उसके अंदर चलना पड़ेगा, या फीलिंग जनता में और बिजनेस कम्युनिटी में सरकार लाना चाहती है। पहले क्या था, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी, बहुत बड़ी लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वह तो रोटी कपड़ा मकान के अलावा उसको किसी चीज़ के, उसको इसी में लोग उलझाए रहते थे, उसके अलावा उसको किसी बात की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसके ऊपर सारे रूल्स रेगुलेशन लॉज इम्प्लीमेंट होते थे और उसे चिंता होती थी। और दूसरा एक क्लास थी जो क्रोनी कैपिटलिज्म टॉप पॉलिटिशियंस वगैरह, कि उनके ऊपर कोई कानून ही लागू नहीं होता था। अब सरकार ने इतने स्ट्रॉन्ग कानून बना दिए, उन लोगों को भी उस कानून के दायरे के अंदर ला के स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन मैसेज सरकार दे रही है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि कुछ तो फिग्यूटिव बन रहे हैं, कुछ जेल में जा रहे हैं, मतलब चिदम्बरम बड़े एकदम, तो उन लोगों के अंदर जरूर डर है जो गलत काम करेगा। रूल ऑफ लॉ इस देश में होना ही पड़ेगा, लेकिन आम जनता को एक ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन सॉल्यूशन और इकोसिस्टम मिलेगा कि कानून सबके लिए बराबर है और उसमें किसी को जो सही काम कर रहा है, गलत काम नहीं कर रहा, उसको किसी बात की अच्छा, डर नहीं होगी। एक छोटी छोटी और एक बड़ा मुद्दा जो अपोजिशन ने उठाया था कि जो देश में पावर बिजली बनाने वाले पावर प्लांट है, मैं इनका जो प्लांट लोड फैक्टर है
ये 48% यानी आधे से भी कम, यानी आधे देश की जो बिजली बनाने की जो यंत्रणाएं वो ठप और बंद पड़ी है। अब मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि ये प्रॉब्लम जो है ये आज खड़ा हुआ है, ये पहले से चलता आ रहा है, लेकिन पहले जो था कि जो प्लांट लोड फैक्टर 60% चलता था, अब लगभग वो 48 पे आ गया, मतलब पहले से और कम हो गया है। तो ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है कि लोग बिजली कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, यानी ग्रोथ नहीं है। नहीं देखिए, इसमें आपने बात तो उठाई है, डेटा भी ठीक है और ये प्रॉब्लम भी ठीक है, लेकिन दो चीज़ें इसमें ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ। कि एक तो हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, सोलर पावर, विंड एनर्जी, इसकी तरफ बहुत सारा प्रोडक्शन उसमें जा रहा है। हाँ। तो थर्मल पावर प्लांट्स को धीरे धीरे सरकार कम करती जा रही है, क्योंकि वह एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो डिस्कॉम्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट परचेज करती है, उन लोगों ने इतना डेट क्रिएट कर दिया, वो पेमेंट ही नहीं कर रहे, वो पेमेंट करते नहीं। तो इस तरह का डेट जो सिस्टम में क्रिएट हो रहा था, एनपीए जिसको कहते हैं डिस्कॉम्स का, उसको सरकार ने उदय और उसके थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश करी, लेकिन असली चीज़ यह है कि जो ग्रिड में लॉस होता था और इवन जो ट्रांसमिशन ग्रिड है उसको भी सरकार अपग्रेड कर रही है, उसमें 40% का हमारा ट्रांसमिशन लॉस था, उसको सरकार धीरे धीरे कम कर रही है। तो ग्रिड को इम्प्रूव कर रही है, डिस्कॉम की हेल्थ को इम्प्रूव कर रही है, लेकिन उसकी हेल्थ जब तक ठीक नहीं होती तब तक वो पावर परचेज कम कर रहे हैं। तीसरा ये है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। एक लास्ट बात मैं एक बार और ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये जो जीडीपी की बात है, इस पे हमें ये ध्यान रखना चाहिए। एक रिपोर्ट आई है यूएस में जो कि सबको देखना चाहिए, उनने कहा है कि जो जीडीपी का कैलकुलेशन है वह केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही ध्यान को इनकॉर्पोरेट करता है। ग्लोबली उसकी जो कंजम्पशन है, उसका जो फॉर्मूला है, उसमें मॉडल है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वेटेज ज़्यादा है। आज जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो रहा है, सर्विस सेक्टर का ज़्यादा रोल बढ़ता जा रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी जैसे आ रही है, चाहे उसको जो डिजिटल पेमेंट की बात हो या फेसबुक जैसे ये सोशल सर्विसेज की बात हो, ओला उबर है, न्यू टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन जो एक्टिविटीज़ हैं उनको जीडीपी में उतना वेटेज और स्पेस नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जीडीपी के डेटा सही चीज़ों को कैप्चर नहीं कर पा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बट चलिए अभी तो हमारे पास बहुत समय कम है, एक 30 सेकंड में आप सम अप डिस्कशन हमारे लिए कर दीजिए। मुझे आपसे ये पूछना है कि देखो, बात तो थी 2 करोड़ हर साल नई नौकरियां बनाने की, बट अब ग्लोबल रीजंस हो, लोकल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हो, उसके वजह से अब नौकरियां जा रही हैं, तो अब पहले तो गड्ढा भरना है और फिर नौकरियां जनरेट करनी है। कितने क्वार्टर्स में आपको लगता है कि जो स्थिति है वो बेहतर दिखेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नौकरियों की डेफिनेशन ही यहाँ पे कंफ्यूजन है। हमारे जो नौकरी, मतलब पहले जो हमारे यहाँ NSSO डेटा था या जो सर्वे बेस्ड डेटा था, वो सब केवल सरकारी नौकरियाँ, प्राइवेट सेक्टर में वाइट कॉलर जॉब्स या ऑर्गेनाइज सेक्टर की नौकरियों को ही इनकॉर्पोरेट करता है, वहीं फोकस है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, 93% हमारे देश की जो इंडस्ट्री एटसेट्रा है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, और वह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बहुत से लोग हैं, रूरल इकोनॉमी में बहुत से लोग हैं, उनके डेटा को कैप्चर ही नहीं करते। तो यह जो फोकस है हमारी सरकार का एंटरप्रेन्योरशिप का, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, आप देखिए स्टार्टअप इकोसिस्टम में हमने कितना चेंज कर दिया है, यूनिकॉर्न्स कितने डेवलप हो रहे हैं। तो अब उबर, ओला जैसे कई तरह के न्यू टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, तो उस तरह के डेटा को हम एम्प्लॉयमेंट के अंदर कैप्चर अभी नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए सरकार बढ़ रही है कि उस तरह की एक्टिविटीज़ को एम्प्लॉयमेंट के डेटा के अंदर करें। तो मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वह विश्व का भारत के प्रति दृष्टिकोण क्या है, वो कहाँ पैसा लगा रहे हैं, वो क्या सोचते हैं, इस पे भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे देश की अभी अर्थव्यवस्था में कुछ चैलेंजेस हैं, सरकार उनको पूरी तरह से मीट आउट कर रही है। आपका पॉइंट हमने ले लिया है। ओपोजिशन ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी चार्ज लगाया था वैसे कि डिमोनेटाइजेशन के बाद काफ़ी सारी नौकरियाँ जो लघु उद्योग है उनमें गई, बड़े बिजनेसेस को कितना फ़र्क पड़ा पता नहीं, बट ऑपोजिशन का ज़रूर ये चार्ज है। इसके बारे में भी हमको चर्चा करने का गोपाल जी से मौका मिलेगा अगले एपिसोड में, तब हम आपसे उसके बारे में चर्चा करेंगे। बट आपने हमको अपना समय दिया, उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा, और थैंक यू व्यूअर्स ये शो देखने के लिए इकोनॉमी पर, और हम इसको हर क्वार्टरली ये शो को फॉलो करते जाएंगे और ये सारे इश्यूज़ को फिर उठाएंगे, और हमें अपेक्षा है कि गोपाल जी आके हमारे से फिर चर्चा करेंगे इस बारे में। थैंक यू।
इनखबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।